हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और यह है ओवर द ईयर वायरलेस गेमिंग हेडसेट। हाँ फ्रेंड्स, ये ओवर द ईयर गेमिंग हेडसेट है। लो लेटेंसी का फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट मैं सारे ही लो लेटेंसी डिवाइस का अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। सो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको लो लेटेंसी का फीचर देखने को मिल रहा है। वैसे तो इन्होंने अपने स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट नहीं किया, इन्होंने अपने कुछ भी स्पेसिफिकेशंस को हाईलाइट नहीं किया, एक दो को छोड़ के, लेकिन इसमें आपको लो लेटेंसी का फीचर्स देखने को मिल रहा है। और यह है HP 500 वायरलेस हेडसेट, 5.0 ब्लूटूथ है इसमें। और इसमें आपको नॉइस रिडक्शन माइक का भी फीचर देखने को मिल रहा है। 20 आवर्स बैटरी बैकअप भी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और काफी ज्यादा कंफर्टेबल है ये हेडसेट, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, साउंड परफॉर्मेंस भी अमेजिंग है। सो चलिए देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग, और मेरे अनबॉक्सिंग के बाद अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आए तो इसका अमेजॉन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। सो HP ब्लूटूथ हेडसेट 500 का बॉक्स कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हो सिंपल सा बॉक्स है, और इसके नीचे इन्होंने अपने तीन स्पेसिफिक को हाईलाइट कर रखा है, जैसे नॉइस रिडक्शन माइक्रोफोन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, 20 आवर्स का बैटरी प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और दोनों साइड आपको चाइनीज में ही लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और इसके नीचे के साइड भी पूरा चाइनीज में लिखा है, पता नहीं क्या क्या लिख के रखा है। और यहाँ पर आपको एक पेपर चिपका हुआ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको इनका एड्रेस चाइना का और इंडिया का एड्रेस देखने को मिलेगा, और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, मॉडल नेम और कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ प्रोवाइड कर रखा है, जैसे ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, और साइड में आपको एक हॉलमार्क चिपका हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि प्रोवाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट करता है हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सूटेबल है ये प्रोडक्ट और सेफ भी। और आप इसका प्रिंटेड प्राइस देख सकते हो 3998 रुपीज 50 पैसा, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट अमेजोन पे मिल जाएगा ओनली 3500 रुपीज का, 300 रुपीज ऊपर नीचे होता रहता है। सो HP का पूरा कंटेंट है इस ब्लू बॉक्स के अंदर। सो इसके अंदर मुझे एक बढ़िया क्वालिटी का टाइप सी डाटा केबल देखने को मिला, और बाकी बंच ऑफ पेपर वर्क मुझे इसके साथ देखने को मिला। इतने सारे पेपर वर्क का क्या करूंगा भाई मैं, अगर मैं इसे रद्दी में भी बेचूंगा ना तो 10 रुपए का तो इनकम हो ही जाएगा मेरा। सो अभी आप हेडफोन का लुक देख सकते हो, हेडफोन्स का लुक बहुत ही मस्त और एक प्रीमियम सा लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। काफी अच्छा कुशनिंग आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसके हेयर बेल्ट में भी आपको काफी बढ़िया कुशनिंग देखने को मिल जाएगा, और आप देख सकते हो इसका कप्स कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और कुशनिंग भी बहुत जबरदस्त है, जिस वजह से कंफर्ट मस्त है इसका बहुत ही ज्यादा। और अभी मैं आपको इसका फंक्शन बताना चाहूंगा। सो यहाँ पर आपको एक पावर बटन देखने को मिल रहा है, और यही है मल्टी फंक्शन बटन। सो इसके सिंगल प्रेस से आप कॉल पिक या कॉल एंड कर सकते हो, साथ ही में सॉन्ग को भी आप प्ले एंड पॉज कर सकते हो, और 2 सेकंड तक अगर आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपको वॉइस असिस्ट का फीचर्स देखने को नहीं मिल रहा है, और प्लस बटन को अगर आप स्टेप में दबाओगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दबा के रखोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग पर चले जाओगे, और माइनस बटन को अगर आप स्टेप में दबाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, दबा के रखोगे तब प्रीवियस सॉन्ग पे वापिस आ जाओगे। और अभी आप इसका वेट देख सकते हो, ओनली 219 ग्राम, जो कि काफी ज्यादा लाइट वेट है इतना ज्यादा हैवी कुशनिंग के साथ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि माइक के साथ ये रेडी हो चुका है, और मेरे फोन के साथ भी, और अभी हम लोग इस पे करेंगे लो लेटेंसी टेस्ट। तो जैसे कि आपने देखा, इसमें अप्रॉक्स आपको 88 मिलीसेकंड से भी कम का लो लेटेंसी देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा कमाल का है इसका परफॉर्मेंस गेमिंग के लिए। सो गेमिंग के लिए आप इसे बिंदास खरीद सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो HP ब्लूटूथ 500 है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, तो अभी आप सुन सकते हो कि इसका कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा है। और मेरे आगे अभी एक टेबल फैन ऑन है, जो कि स्पीक स्ट्रीम में चल रहा है, और इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन का फीचर्स देखने को मिल रहा है। सो अभी आप सुनो कि कैसा है इसका नॉइस कैंसिलेशन। तो इस रिकॉर्डिंग को करने के लिए मैं कोई भी माइक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, फोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर होता है उसी सॉफ्टवेयर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए शायद आपको एक्जैक्ट आवाज सुनने को ना मिले, थोड़ा ट्यून ऊपर नीचे हो सकता है। सो आप सिर्फ ये सुनो कि नॉइस को कैसा ले रहा है और आवाज को कैसा ग्रैब कर रहा है। आवाज के टोन को प्लीज आप इग्नोर कर दो।
ये है इसका कॉलिंग परफॉर्मेंस। सो जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा सही है, लाउड एंड क्लियर वोकल्स आपको ये प्रोवाइड करेगा कॉलिंग पे। और मेरे आगे टेबल फैन ऑन था जो कि 3 की स्पीड में चल रहा था, उस आवाज को भी पूरी तरह से दबा दिया ये। सो कॉलिंग के लिए काफी ज्यादा सही है। सो जैसे कि आपको पता है कि मैंने माइक का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए एग्जैक्ट आवाज आपको सुनने को नहीं मिला। और अगर इसके साउंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो काफी अच्छा कमाल का साउंड एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। वोकल्स बहुत ज्यादा क्लियर एंड लाउड है, ओवर पावर छनकार आपको इसमें सुनने को मिलेगा। म्यूजिक अगर आप सुनोगे 80% के ऊपर इसका छनकार कानों में चुभता है, लेकिन गेमिंग के टाइम और मूवी सीरीज में आपको महसूस नहीं होगा कि इसमें ओवर पावर छनकार है। और अगर इसके बेस के बारे में बात करें तो बेस बहुत ज्यादा नहीं है, बूम पंची बेस है ये। बूम पंची बेस मतलब सपोर्ट करता है, लेकिन इन्होंने जैसा इक्वलाइज किया है आपको बूम पंची बेस सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसे खुद से इक्वलाइज करोगे किसी ऐप से तो कमाल का बूम पंची बेस आपको ये प्रोवाइड करके देगा। सो साउंड एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मस्त लगा मुझे इसमें। और इसके बेस में आपको हम वाला फ्रिक्वेंसी देखने को नहीं मिल रहा है, हम वाला फ्रिक्वेंसी गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। सो मैं तो बोलूँगा कि ये गेमिंग के लिए बेस्ट है, आप इसे गेमिंग के लिए बिंदास खरीद सकते हो, परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सही है। अगर इसके बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो ये मुझे 15 आवर्स का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर रहा है 80% वॉल्यूम में। और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का फीचर देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स। और अगर इसके कंफर्ट के बारे में बात करें तो कमाल का कंफर्ट आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। ब्लूटूथ हेडफोन्स इतने कंफर्टेबल होते नहीं हैं जितना ये है। आप देख सकते हो कान का जो पर्दा है पूरा इसके कप्स के अंदर आ गया, जिस वजह से कानों में आपको पेन महसूस नहीं होगा। मैं 3 घंटे तक कंटिन्यूस इसका इस्तेमाल किया हूँ लेकिन मुझे पेन महसूस नहीं हुआ। सो कम्फर्ट में बहुत सही है, आपका कान जो है ऐसा दबता नहीं है इसके कप्स के अंदर। हालांकि सिर्फ ये वाला पार्ट दबता है, लेकिन अगर ये दबेगा भी ना तब भी आपके कानों में पेन नहीं होगा। मेन पार्ट ये होता है, अगर ये काफ़ी देर तक ऐसा दबा रहता है तो पेन स्टार्ट होता है। हमारा जो कान का पत्ता है वो इसके कप्स के अंदर आ जाता है, जिस वजह से पेन आपको महसूस नहीं होगा। और काफ़ी ज़्यादा फोल्डेबल भी है, आप देख सकते हो ईजिली फोल्ड हो गया। और थोड़ा सा हाइट एडजस्टेबल भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप देख सकते हो। ब्लूटूथ हेडफोन्स वैसे भी उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते नहीं है, लेकिन कंफर्ट में देखा जाए तो बहुत सही है। अगर आप ऑलराउंडर पर्सन हो तो आप इसे खरीद सकते हो, गेमिंग के लिए भी बहुत सही है और साउंड एक्सपीरियंस भी बहुत सही है। और इसका कनेक्टिविटी का भी कोई इशू नहीं है। मैं टेबल पे फ़ोन रख के पूरे रूम में घूम रहा था, 20 मीटर्स का डिस्टेंस होगा शायद। सो 20 मीटर्स के डिस्टेंस में भी मुझे कनेक्टिविटी ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। और जब मैं इसे पहन के गेमिंग कर रहा था तो फ़ोन हीट होने के बाद भी मुझे थोड़ा भी लैग महसूस नहीं हुआ। सो आप इसे गेमिंग के लिए बिंदास खरीद सकते हो, कमाल का परफॉर्मेंस है इसका। ऑल ओवर देखा जाए तो बेस्ट है, मैं तो बोलूँगा कि ये बजट प्रोडक्ट है। इसका प्राइस है 3,500 रुपीज़, तब भी मैं बोलूँगा कि बजट प्रोडक्ट है, क्योंकि इतने सारे फीचर्स आपको ओवर द ईयर हेडफोन में देखने को ही नहीं मिलेगा। सो ये था मेरा रिव्यू। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें। फ्रेंड्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और अगर शेयर करने लायक हो तो शेयर भी कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।